आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। आप अपने पति के बारे में जो कुछ भी सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। कि मैं इस हॉस्पिटल से रिजाइन कर रहा हूँ। तुम अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो बेहतर। अगर ऐसी कोई भी बात है ना, तुम अंकल से कह देना कि मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम मिलिंद से मिलने गई थी? मिलिंद को तो हम इतने सालों से जानते बेटा, अच्छा लड़का है। आपको बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ और आपने ये बात मुझसे छुपाई? तुमने भी तो एक बात छिपाई मुझसे। आपको पहले से सब पता था? बेटे दरअसल मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैंने अपनी गांव की जमीन बेच दी है। क्या? लेकिन पापा वो तो हमारे पुरखों की निशानी थी, फिर भी आपने? हाँ बेटा, फिर भी मैंने बेच दिया, क्योंकि हमारे खानदान की परंपरा को आगे बढ़ाने का दरोमदार जिसके कंधे पर है, और जब उसी का जीवन संकट में हो तो मैं पुरखों की निशानी को संभाल कर क्या करूं। हाँ बेटे, लो ये पैसे अपने पास रख लो, और मैं चाहता हूं कि इन पैसों से तुम अपना अच्छा से अच्छा इलाज करवाओ। पापा अब इन बातों से क्या फायदा, आप कब तक सच्चाई से भागते रहेंगे? मौत पर किसी का बस नहीं। बस नहीं ना सही बेटे, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। आखिरी क्षण तक कोशिश करता रहूं। मेरे पास अगर इन रूपों के अलावा और भी कुछ होता तो वो देकर भी मैं अपने बेटे की जिंदगी भाग लेता। मौत जिंदगी की सच्चाई है, और आप इस सच्चाई से मुंह नहीं चुरा सकते। नहीं बेटे, नहीं, मैं किसी सच्चाई से मुंह नहीं चुरा रहा हूं, बल्कि मैं तो एक उम्मीद के सहारे लड़ रहा हूं। हाँ बेटे, और तुम भी मेरे साथ इस लड़ाई में लड़ोगे। मैं मानता हूं कि इस लड़ाई में जीतने की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी बेटे बेटे कम से कम उम्मीद तो है। हाँ, ये लो बेटे, ये पैसे संभाल के रखो। पापा प्लीज जिद मत कीजिए, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, इसे प्लीज आप अपने पास ही रखिए। भी कितने बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या सोच लिया मैंने तुम्हारे और निखिल के बारे में। I'm really sorry. नहीं नहीं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही सोचता। कैसी बात कर रही हो रश्मि, दोस्त तो होते इसीलिए हैं कि मुसीबत में साथ दें। सोनाली पता नहीं फिर भी क्यों मुझे डर लग रहा है। क्यों, अब क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मधु ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे तबाह कर देगी। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले कि वो अपनी अगली चाल चले हम उसका खेल ही खत्म कर देंगे। अच्छा अब चलता हूं। अरे नहीं नहीं, बस बस बस, अच्छा अंकल चलता हूं। हाँ नमस्ते। कैसी हो मधु? अच्छी। जल्दी मिलेंगे।
आई, ये यहाँ क्यों आया था? बेटी वो अपने काम से नहीं आया था, बल्कि हमारी मुश्किल हल करने आया था। समझ लो कि वो भगवान का रूप है। आई, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ आया क्यों था। तो सुन, सुनेगी तो तू भी खुश हो जाएगी। वो अपनी तरफ से तेरे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। कितना संस्कारी लड़का है, नहीं? कह रहा था कि जब तक हम लोग उसके माँ बाप से मिलकर शादी तय नहीं कर देते, तब तक वो तुमसे मिलेगा भी नहीं। सचमुच हमारे धन्य भाग्य है जो ऐसा सभ्य होनहार और संस्कारी लड़का हमारी बेटी का हाथ मांगने आया था। लेकिन आई, ये सब इतनी जल्दी, और आप लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं। अरे पूछेंगे या बताएंगे तो तब ना, जब तेरे सवालों की बौछार थमेगी। बेटे निखिल बहुत अच्छा लड़का है और उसे ये रिश्ता मंजूर है, इसलिए उसने अपने माँ बाप से बात करने के लिए आज हमें अपने घर पे बुलाया है, और आज शाम हम तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जा रहे हैं। और भलाई इसी में है बेटी कि तू भी निखिल को मन से अपना ले। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? भजन कर रही हूँ। तुझे इसका मतलब? गुस्सा हो किसी बात से? गुस्सा नहीं करो तो क्या करो? सबको यही लगता है घर में कि मैं तो पागल हूँ, मुझ में तो कोई समझ ही नहीं है। माँ, तुम क्यों ऐसा सोचती हो? क्या हुआ? जाकर पूछ तेरे पापा को। मुझे पता है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, मगर मुझे बता नहीं रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो भी नहीं बताया। और ये अंजू, उसके तो फर निकल आए हैं। मिलिन के साथ में रेस्टोरेंट में गई थी, मैंने पूछा कि क्यों गई तो बताया ही नहीं। इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। माँ, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूं ना, मैं पापा से बात करूंगा। तुम्हें कोई भी बात करनी हो तुम मुझसे आके कहो, ठीक है? क्या मिलिन मेरी वजह से ये सब कर रहा है, या अमर का दोस्त होने के नाते, या क्या कोई और वजह है? दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें नहीं करनी, लेकिन मुझे बात करनी है। अभी बचपना छोड़ो और मैं जो कहता हूँ वो सुनो। कहो, क्या कहने? दीदी, मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब देखी है, मुझे लगता है अब तुम्हें घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर बिजी रहोगी तो मन भी हल्का हो जाएगा। देखो अमर, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। दीदी, तुम समझती क्यों नहीं? मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे बहुत सी उलझनें सुलझानी है। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। निखिल, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आओ ना। अब क्या करोगे? यहां तो मेरा पूरा परिवार आ गया है, अब भी वक्त है। सोच लो किसका साथ दोगे। काफी अच्छा घर है ना? मैं नहीं कह रही थी कि अपनी मधु को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। मधु, मैंने सोच लिया है कि मुझे किसका साथ देना। चले। अरे नंदू, चाय नाश्ता लाना। बैठो बेटे। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा? एक्चुअली वो सब बाहर गए हैं। अगर मुझे पता होता कि आप सब आ रहे हैं तो मैं उन्हें रोक लेता। हाँ, ये एक हमसे भूल हो गई बेटे, हमें आने से पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। सॉरी। वैसे उनके अलावा मेरे परिवार में और भी सदस्य हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे?
हाँ हाँ क्यों नहीं। सोनाली सोनाली ये है मधु की नानी, इनकी माता जी, इनके पिताजी। बस निखिल हम सबका परिचय तो करवा दिया तुमने, लेकिन इनका परिचय नहीं करवाओगे? क्यों नहीं, यह है सोनाली मेरी धर्मपत्नी। ये क्या मजाक है, क्या तमाशा ये सब? अगर यही सब करना था तो फिर हमारे घर अपना रिश्ता लेकर क्यों आए थे? तमाशा हमने नहीं, तमाशा आपकी बेटी मधु ने बनाया है, पता नहीं कितने लोगों का। नहीं बाबा आई, मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या ये झूठ बोल रहा है? आई रो मत मधु, तुमने सबको बहुत रुला लिया, बस अब ये नाटक करना बंद कर दो। अंकल आंटी आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि निखिल ने ऐसा क्यों किया, तो फिर ये देखिए। ये क्या है? देखिए मम्मी, पापा आप तो मेरा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, फिर भी आप उस बेशरम लड़की को इस घर की लक्ष्मी समझते हैं? आप अपनी चरित्रवान बेटी को समझा दीजिए कि वो मेरे बेटे के रास्ते से दूर रहे। अगर तेरे जैसी बेटी होती तो मैं उसका गला ही घोट देती, और अब अमर और तेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्या यही था तुम्हारा प्यार? कह दो कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सब झूठ था। हाँ, झूठ है। झूठी तुम हो, सिर से लेकर पांव तक झूठी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो ना अपनी बेटी से, ये झूठी फोटोग्राफ बनवाकर उसने अमर की और मेरी सगाई तोड़वाने की कोशिश की। बस ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया है। लक्ष्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका तो दो। माफी तो उन्हें दी जाती है जो गलती करते हैं, लेकिन तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने तो गुनाह किया है, गुनाह। रश्मि कोई फायदा नहीं है मधु, तुम्हारी इन मगरमच्छ की आंसुओं को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि तुम पर यकीन करना खुद को धोखा देना होगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ, चली जाओ यहां से। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हर बार कोई ना कोई नई मुसीबत, लेकिन इस बार तो उसने सारी सीमाएं पार कर दी। अब क्या मुंह लेकर हम दुनिया के सामने जाएंगे? इतनी बड़ी बेइज्जती, वो भी अपनी ही औलाद से। आने दीजिए उसे, आने दीजिए, आज मैं उसकी खबर लेती हूं। आज तक उसने हमारा प्यार देखा है, गुस्सा तो देखा ही नहीं अभी तक, ये तो हद हो गई। मधु ऐसा कर सकती है?
मैंने तो सोचा भी नहीं था इसे। सोच तो मैं भी नहीं सकता हूं। अब तक यही समझता था कि वो अमर को भूल चुकी है, लेकिन नहीं, अभी भी ये सब सुनना और देखना बाकी था। ऐसी घटिया हरकत हमारी अपनी ही औलाद करेगी? इससे तो बेहतर होता हमारी कोई औलाद ही ना होती। हाँ हाँ, मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। मेरी वजह से आप लोगों की इतनी बेइज्जती हुई है, इतने सारे अपमान सहने पड़ रहे हैं आप लोगों को। और ये भी सच है कि मैंने ही रश्मि की सगाई तोड़ी है, मैंने ही अमर के घर फोटोग्राफ्स भेजे थे। और आजी बता दीजिए ना इन लोगों को कि मैंने खुद अपने हाथों से अपने घर को जलाया था। आप लोग खामोश क्यों हैं? निकाल दीजिए मुझे इस घर से। मैं हूं बुरी, मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मधु, मधु ये क्या कर रही है तू? रवि, रवि उसे रोको। कोई जरूरत नहीं है इसकी, और कोई नहीं रोकेगा उससे। वो जहां जाना चाहती है चली जाए। रवि, मधु, मधु, रवि, रवि मत जाने दो उसे। नहीं, कोई नहीं रोकेगा उसे, जाने दो उसे जहां जाना है। मधु, तुम्हें इस तरह अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब पेरेंट्स और बच्चों के बीच डिफरेंसेस तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर छोड़कर आ जाओ। हाँ बेटा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा इस तरह घर छोड़कर जाने से तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही होगी? शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन अमर, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि किस वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया? मधु, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़े? वो तुम्हारे माँ बाप है, कोई दुश्मन तो नहीं? अब तक मैं भी यही समझती थी कि माँ बाप अपने बच्चों की अच्छाई के लिए ही सोचते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि कभी कभी उसका उल्टा भी हो जाता है। मतलब? आंटी, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी ऐसे लड़के से करवाना चाहते हैं जो कि उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर सिर्फ उम्र की ही बात होती तो मैं अपने पेरेंट्स की इच्छा और अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती, लेकिन वो तो पहले से ही शादीशुदा है। अब आप ही बताइए आंटी, मैं क्या करती? तो क्या तुमने अंकल और आई को ये बात बताई? हाँ बताया था, ये भी बताया था कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़े रहे, कहा कि मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से कुछ परेशानी हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे उस घर में वापस जाने के लिए मत कहना। ये क्या कह रही हो तुम? तुम कोई पराई थोड़ी हो हमारे लिए। तुम चिंता मत करो मधु, मैं जाकर आई और अंकल को समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी इंसल्ट करने का मौका मिले। और इसके साथ ही मेरे घर छोड़ने की एक और वजह भी है। क्या वजह? रश्मि। क्या, रश्मि? हाँ रश्मि, उसने मेरे आई बाबा के सामने मुझे जलील किया, निखिल से शादी करवाने की कोशिश की जबकि वो जानती थी निखिल शादीशुदा है। क्या, रश्मि ने ऐसा किया? देख, तू चिंता मत कर, हम है ना, हम भी तो तेरे आई बाबा जैसे ही है ना। बस अब रोना बंद कर, तू जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। बस, अब रो मत। अमर, 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 आखिर तुम्हें मालूम पड़ ही गया ना कि हमारे प्यार के खिलाफ होने वाली साजिशों के पीछे कौन था? थैंक गॉड। अमर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूं। मैंने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को झूठा साबित कर दिया। अमर, सच मानो ये मेरी अपनी परीक्षा थी। तुम नहीं जानते
तुम्हारे मधु की वजह से कितना कुछ खोया है। हाँ रश्मि, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। इतना उतावलापन भी किस काम का? जीत के पहले ही शहनाई बजाने लगी तुम, देखना कहीं किसी की नजर ना लग जाए। और वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझे अमर की जिंदगी से निकालने पर तुली थी ना, लेकिन शायद तुम्हारा पासा ही उल्टा पड़ गया। आज मैं अमर के घर पहुंच गई हूँ। अपनी अपनी किस्मत है ना। वैसे रश्मि, तुम मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हो रही हो। जो काम मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई वो तुमने यूं ही कर दिया। थैंक यू सो मच रश्मि, बाय। मधु क्या सच में अमर के घर रह रही है? और अगर नहीं तो फिर उसके पास अमर का मोबाइल कैसे पहुंच गया? तो क्या वो सच बोल रही थी? ओह माय गॉड, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेंगी बहारें।